हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कोरियर बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। अब मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे कोरियर बिजनेस के बारे में कि आप कोरियर का कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो मुझे बहुत सारे लोग कॉल करने लगे, बोलने लगे आप मुझे इससे टाई अप करवा दो, उससे टाई अप करवा दो। तो मैं आपको इसलिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी से भी टाई अप नहीं करवा के देता हूँ। मैं सिर्फ एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, आपको आइडियाज बताना मेरा काम है, टाई अप करवाना नहीं। अब जब हम कोरियर के बिजनेस की बात करते हैं तो देखो, जो कोरियर का बिजनेस है ना, वो इतना आसान बिजनेस नहीं है, इजी मनी नहीं है वो। मतलब आसानी से पैसा कमाओ ऐसा बिजनेस नहीं है वो। अब कोरियर के बिजनेस में आपको जगह चाहिए और आपको डिलीवरी बॉयज चाहिए। तो ये आप समझ के चलो कि आपको ये लेबर इंटेंसिव काम है, मतलब हमालगिरी का काम है। इसमें आपके पास में नौकर अच्छे होने चाहिए, स्पेशली जिनके पास बाइक्स वगैरह हो, जो डिलीवरी करने में इंटरेस्टेड हो। तो आप ये स्टार्ट करने से पहले इस बारे में एक चीज सोच लें। दूसरी चीज है कि बिजनेस कैसे लाना। तो कोरियर बिजनेस के अंदर दोस्तों इस तरीके से है कि आप एक कोरियर कंपनी का फ्रेंचाइज ले लो। फ्रेंचाइज लेने में वो आपसे कुछ पैसे लेंगे, 2-3 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद में आपको फ्रेंचाइज देंगे। अब ये फ्रेंचाइज मिलने के बाद उस कंपनी की रेप्यूटेशन की वजह से लोग आपके पास कोरियर देने आएंगे कि आप कोरियर लीजिए, जब आप और पहुंचा दीजिए। अब कोरियर में मोस्टली जो लेटर्स होंगे, तो कोरियर के जो लेटर्स है उसका इन द सिटी, मतलब जिस शहर में आप है उसी शहर में अगर आपको वो कोरियर करना है तो 30-40 रुपीज के बीच चार्ज होता है, और आउट ऑफ द सिटी कोरियर करना है तो 50-80 के बीच चार्ज होता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि पर लेटर, सिंपल सा लेटर जिसमें 2-3 पेजेस डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो उसमें आपको एक एनविलप बुकिंग लेने पे 5 रुपए मिलेंगे और उसको डिलीवर करने में 10 रुपए। डिलीवर मतलब कि अगर किसी और ने बुकिंग लिया है, मतलब समझो कि आप रहते हैं मुंबई में अंधेरी में और बुकिंग ली गई है दिल्ली में, तो दिल्ली से जब मुंबई आ रहा है तो आप उस लेटर को डिलीवर करोगे उसकी जगह पे, तो आपको सिर्फ 10 रुपए ही मिलने वाले। और आप उसको बुकिंग करोगे, जैसे आपने बुकिंग किया मुंबई से दिल्ली भेजने को, तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। अब इसमें फायदा ये होगा कि आपका सिर्फ कमीशन है 5 रुपए या 10 रुपए, लेकिन आप कोरियर कंपनी के नेटवर्क से यूज करोगे, वो आपका लेटर जाएगा कोरियर कंपनी के नेटवर्क से। अब उसको मुंबई से दिल्ली कैसे पहुंचाना है वो कोरियर कंपनी का काम है, आपके फ्रेंचाइजर का, जिसने आपसे कुछ लाख रुपए लिए हैं उसका नाम यूज करने देने के लिए। तो इन ओवरऑल कोरियर कंपनी का बिजनेस तभी ही हिट हो सकता है जब आप एक कमर्शियल एरिया में, क्योंकि ज्यादा लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स कमर्शियल एरिया से जाते हैं, जहाँ पे बिजनेसेस हो, फैक्ट्रीज हो, ऑफिसेस हो, वहीं से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि आप कोरियर बिजनेस स्टार्ट करें तो रेजिडेंशियल एरिया में नहीं, कमर्शियल एरिया से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज ऐसी है कि आप ये देखें कि जो फ्रेंचाइजी आप लें उसमें आपको कम कॉस्ट देना पड़े फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइजर को, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट कम रहे। अब मैंने मुंबई में एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया देखा जिसका नाम है वी फास्ट। वी फास्ट एक कोरियर सर्विस है। इन्होंने एक बहुत ही यूनिक तरीके से खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया पता है? आप वी फास्ट की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, और वहां पे आप अपना डेस्टिनेशन लिखो, मतलब आप जहाँ पे हो और आपको कहाँ पे कोरियर भेजना है वो डेस्टिनेशन लिखो, आपको कॉस्ट पता चल जाएगा कितना पैसा लगने वाला है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, सबसे बड़ा, कि आप सेम डे डिलीवरी कर सकते हो, सेम डे डिलीवरी, जी हाँ, मतलब आज ही आपके डिलीवरी कर सकते हो। अब वो कैसी होती है डिलीवरी ये भी बताता हूँ। मैंने वी फास्ट पे गया, बुक किया कोरियर, मुझे प्राइस बता दिया गया कि इतना प्राइस है। अब मुझे ये भी ऑप्शन आ रहा है कि वो पैसा कौन देगा, मैं दूंगा या जिसके घर पे डिलीवरी होगी वो देगा। अब कोरियर का जो लड़का है वो मेरे घर आ गया आधे घंटे के अंदर, उसको मैंने पार्सल दे दिया और वो जाके पहुंचा देगा डेस्टिनेशन पे। इस डेस्टिनेशन, मेरे से डेस्टिनेशन के बीच में अगर और भी कोरियर के पार्सल होंगे तो हो सकता है कि उसको वी फास्ट का ऐप दे के आप ये भी कलेक्ट कर लो, मतलब वो मेरे घर के आसपास से और भी पार्सल कलेक्ट करेगा और जहां पे मैंने भेजा है उस डेस्टिनेशन पे जाके या उसके आसपास और भी पार्सल डिलीवर करेगा, मतलब वो करेगा एक ही ट्रिप लेकिन उसमें उसको ज्यादा पार्सल मिलेंगे।
ये एक चीज है। दूसरी जो इसमें बेस्ट चीज मैंने देखा वी फास्ट में, वो ये है कि आप कुछ भी भेज सकते। कुछ भी भेजने से मेरा मतलब है आप लेटर भेज सकते, आप कपड़े भेज सकते, आप खाना भेज सकते, कोई भी चीज आप उस पर्सन के थ्रू भेज सकते। तो दोस्तों अपने आप में मेरे हिसाब से वी फास्ट एक बहुत अच्छा कोरियर सर्विस है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप वी फास्ट से जाके फ्रेंचाइजी लो, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके जैसा बिजनेस मॉडल आप अपने शहर में क्यों नहीं बना लेते। मतलब आप अपने शहर वालों को ये सर्विस दे सकते हो कि आप सेम डे डिलीवरी करोगे, ओके, और आप कुछ भी आइटम डिलीवर कर सकते हो, खाना भी, कपड़े भी, टॉयज भी, डॉक्यूमेंट्स भी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है वी फास्ट का, और ये एक ग्रोइंग बिजनेस आइडिया है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए अगर आप कोरियर कंपनी के बिजनेस के बारे में सोच रहे हो। जाने से पहले आपको ये बोलूंगा कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के आप नहीं कर सकते, आपको और रिसर्च करना पड़ेगा, बिजनेस के अंदर जाना पड़ेगा, जाके देखोगे रियल लाइफ में, तब आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। आप वी फास्ट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, गूगल पे जाके आप फास्ट लिखिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने का मौका मिले। बाय बाय, टेक केयर।